हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माइक्रोबायोलॉजी बाय संतोष मित्र। आप सभी को पता है जून मंथ में मींस जून 2024 में इस साल की जो नेट जेआरएफ की एग्जाम है वो होने वाली है। और इस एग्जाम में जो स्कीम है जिसे हम एग्जाम स्कीम कहेंगे, मतलब किस प्रकार की एग्जाम होती है और किस प्रकार की एग्जाम ये हो जाएगी, तो इसमें इस वीडियो में इस एग्जाम स्कीम के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपने ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो भी दोस्त, जो भी क्लासमेट्स, जो भी जूनियर सीनियर्स इस एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि एक्चुअल एग्जाम स्कीम कैसे होती है, कितने मार्क्स की होती है, कितने ड्यूरेशन की होती है और किस तरह से इस एग्जाम को प्रिपेयर करना है। ये मैं बहुत शॉर्ट वीडियो में यहाँ पे बताने वाला हूँ ताकि आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो का फायदा हो सके। तो सबसे पहले ये कि ये जो एग्जाम है ये 3 आवर्स की है और मैक्सिमम मार्क्स जो है ये है 200 मार्क्स। सो दिस इज वन थिंग, सो दैट मीन्स दिस एग्जाम इट इज फॉर 200 मार्क्स एंड द टोटल ड्यूरेशन फॉर दिस एग्जाम इट इज 3 आवर्स। ओके, सो आफ्टर दैट इट इज ऑल्सो ऑल ऑफ यू नो दैट दिस एग्जाम इट कंसिस्टिंग ऑफ द सिंगल पेपर और इट इज अ सिंगल पेपर टेस्ट हैविंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और MCQs आर देयर। मतलब इस क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। एंड ये जो क्वेश्चन पेपर है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ओके, 3 पार्ट में ये डिवाइडेड है। नंबर 1 है दैट इज पार्ट ए, उसके बाद पार्ट बी एंड उसके बाद पार्ट सी। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन पेपर रहेगा ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। तो ब्रीफली हम यहाँ पे देखेंगे कि पार्ट ए में कौन से किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, पार्ट बी में कौन से किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं एंड पार्ट सी में किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं। तो पहला जो पार्ट है दैट इज पार्ट ए, सो इट कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चंस। सो देर आर 20 क्वेश्चंस आर देयर एंड दीज क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द जनरल साइंस, these are related to the quantitative reasoning and analysis as well as these questions, these are related to the research aptitude. So out of these 20 questions, candidates they have to required or they have to require to answer 15 questions. Okay, so that 15 questions you have to answer here, and each question from this section, that is from this part A, it shall be of 2 marks. मतलब 2 marks का ये एक question रहेगा, total 20 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं और 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे सॉल्व करने हैं। एंड द टोटल मार्क्स विच आर एलोकेटेड टू दिस सेक्शन इट इज 30 आउट ऑफ 200 मार्क्स, बिकॉज़ वी नो दैट टोटल मार्क्स जो है इसमें ये 200 मार्क्स है और 200 में से पार्ट ए को अभी कितने मार्क्स हैं यहाँ पर 30 मार्क्स है, और क्वेश्चन आपको 20 क्वेश्चन में से आपको सॉल्व कितने करने हैं, 15 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और ये जो फोकस आपको जो करना है, मेन टॉपिक्स जो रहेंगे पार्ट ए के लिए वो है जनरल साइंस, क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड एनालिसिस एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। ओके, सो उसके बाद जो है पार्ट बी, सो दिस पार्ट बी इट कंसिस्ट ऑफ 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ओके, सो 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पर रहेंगे पार्ट बी में। एंड जनरली ये जो पार्ट है सेक्शन बी और पार्ट बी जिसे हम कहेंगे, दैट कवर्स the topics which are given in the syllabus that is related to your subject, that means life sciences for example. Okay, so this will be the part B, that means 50 multiple choice questions are there and that are related to your syllabus or that is your life sciences syllabus. Okay, so out of these 50 multiple choice questions you have to answer 35 questions here, that means 50 में से कौन से भी 35 questions आपको यहाँ पे सॉल्व करने हैं कम से कम। एंड इसके लिए जो मार्क्स है और ईच क्वेश्चन और करेक्ट आंसर दैट विल बी 2 मार्क्स। तो 2 मार्क्स यहाँ पे है हर एक क्वेश्चन के लिए, एंड द टोटल मार्क्स विच आर एलोकेटेड टू दिस सेक्शन बी और पार्ट बी दैट इज 70 आउट ऑफ 200। मतलब 200 में से आउट ऑफ 200 70 मार्क्स आर देयर फॉर दिस पार्ट बी। तो ये हो गया पार्ट बी के बारे में। उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगेन यार, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन है
डाउट्स है कि किस तरह से प्रिपेयर करना है एग्जाम से। इन्होंने सीएसआर, यूजीसी और एनटीए ने क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया है कि जो भी पार्ट सी है इसमें आपका सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज तो वहाँ पे चेक किया जाएगा, बट दे आर मेनली फोकसिंग ऑन द नॉलेज ऑफ साइंटिफिक कंसेप्ट एंड और एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक कंसेप्ट। मतलब आपको पार्ट सी के लिए अगर प्रिपेयर करना है तो साइंटिफिक कंसेप्ट पे आपको फोकस करना है, एट द सेम टाइम यू हैव टू फोकस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ दिस साइंटिफिक कंसेप्ट। मतलब ये जो नॉलेज रहेगा आपका साइंटिफिक कंसेप्ट रहेंगे, इसको किस प्रकार हम यूटिलाइज कर सकते हैं, चाहे वो रिसर्च हो चाहे वो प्रोजेक्ट पे काम करना हो, तो किस तरह से आप ये नॉलेज वहाँ पे एप्लीकेबल कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, यूज कर सकते हो, तो वो आपको यहाँ पे चेक किया जाएगा। एंड दिस क्वेश्चन शैल बी एनालिटिकल नेचर, मतलब जो भी ये क्वेश्चन रहेंगे ये सीधे आंसर के क्वेश्चन नहीं रहेंगे, ये एनालिटिकल नेचर टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। मतलब आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे एनालिसिस करना है, थिंक करना है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे एंड उसके ऑप्शन पर, सो दैट यू कैन गिव द करेक्ट आंसर। सो अ कैंडिडेट इज एक्सपेक्टेड टू अप्लाई द साइंटिफिक नॉलेज एंड अराइव टू द सॉल्यूशन टू द गिवन साइंटिफिक प्रॉब्लम। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहेंगे यहाँ पे कि आपको एनालिटिकल थिंकिंग वहाँ पे करना है, ताकि आपको जो भी क्वेश्चन वहाँ पे आया है तो वो ये जो कंसेप्ट है, ये जो नॉलेज है आपका साइंटिफिक नॉलेज, ये आपको यूज करके आपको इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन वहाँ पे निकालना है। तो इसीलिए मतलब यहाँ पे थोड़ा पार्ट सी के लिए आपको थोड़ा सा डीप स्टडी करना पड़ेगा, और जो भी नॉलेज आप समझा के ले रहे हो, कंसेप्ट क्लियर कर रहे हो, उसके साइंटिफिक कंसेप्ट क्या है, उसके एप्लीकेशन क्या है ये साइंटिफिक कंसेप्ट के, या फिर उसके यूटिलाइजेशन क्या होता है रिसर्च में या फिर प्रोजेक्ट पर, सो दैट यू हैव टू स्टडी। एंड देन यू हैव टू रिक्वायर टू आंसर 25 क्वेश्चंस। सो आउट ऑफ 75 क्वेश्चंस हियर इन पार्ट सी यू हैव टू सॉल्व 25 क्वेश्चंस, ओके। एंड द ईच क्वेश्चंस इट हैज 4 मार्क्स हियर। तो इसमें से प्रत्येक जो भी आंसर आप मतलब वहां पे सॉल्व करोगे, इसके लिए करेक्ट आंसर के 4 मार्क्स वहां पे है, एंड द टोटल मार्क्स व्हिच आर एलोकेटेड टू दिस सेक्शन इट इज 100 आउट ऑफ 200। सो 200 में से 100 मार्क्स इस पार्ट सी को है, तो इस तरह से ये आपका टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहेगा, जिसका ड्यूरेशन रहेगा 3 आवर्स, एंड नेगेटिव मार्किंग इज आल्सो देयर, सो कीप इन माइंड दैट, ओके। सो दिस इज अबाउट द स्कीम ऑफ दिस नेट सीएसआईआर नेट जीआरएफ एग्जाम, एंड व्हाट इज दैट स्कीम आई हैव मेंशन हियर, आई हैव एक्सप्लेन इन दिस वीडियो हियर, दिस इज अबाउट द लाइफ साइंसेस। सो वॉच दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, काइंडली सब्सक्राइब। थैंक यू।